और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आप लोग सजदे में चले जाइए। सजदे में आने के बाद आप लोग 3 मरतबा, लेकिन उससे पहले आप लोग इस नमाज की नियत आप लोगों को किस तरीके से करनी है उस चीज को समझ लीजिए। ये आपको अपने हाथों की उंगलियों पर 33 मरतबा पढ़ना है, 33 टाइम। ये आप लोगों के 2 रकात नफिल अदा हो जाएंगे अलविदा के दिन के। अलविदा की नमाज का मुकम्मल तरीका, किस तरीके से अलविदा की नमाज अदा करनी है, कितनी रकात पढ़नी है, कैसे आप लोगों को नियत करनी है, और अलविदा के दिन का एक खास अमल, इस दिन हमें कौन कौन से काम ऐसे हैं जो करने ही करने हैं, अगर हम लोग उन कामों को ना करें तो शायद हम लोग एक बहुत बड़ी रहमत से महरूम रह जाएंगे। ये सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं समझाने वाला हूँ, बाई प्रैक्टिकल आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि आप लोगों को करना किस तरीके से, ताकि आप लोगों के आसानी से समझ में आ सके। अब जब बात आती है अलविदा की नमाज अदा करने की, तो हमारे दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, क्या इसकी नियत हमें अलग तरीके से करनी है, या जिस तरीके से हम लोग जुमा की नमाज अदा करते हैं वैसे ही अदा करनी है, या फिर जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही है वो जोहर की नमाज अदा करती है, तो क्या उनको उसी तरीके से अलविदा के दिन भी नमाज अदा करनी है, या फिर इसके लिए कुछ खास अलग से करना होता है। तो मैं आपको बताऊँ, इसमें एक अलग से नमाज आती है जो मैं अभी आपको उसका मुकम्मल तरीका पढ़ के दिखाऊंगा, जो अलविदा के दिन करनी होती है। आप लोग भी अदा कर लेना, इससे आपको बहुत ज्यादा बरकतें देखने को मिलेंगी, और इससे आपकी जिंदगी में वो चीजें भी खत्म हो जाएंगी जो आपकी जिंदगी में परेशानियां बनकर आ रही है, और आपकी वो हाजतें भी पूरी हो जाएंगी जो आज तक पूरी ना हुई हो। इस नमाज की फजीलत में ये आता है, अगर अलविदा के दिन कोई शख्स इस नमाज को अदा करे, जा नमाज पर बैठा हुआ है और वो इस नमाज को अदा कर रहा है अलविदा के दिन यानी कि रमजान शरीफ के आखिरी जुमे को, तो वो जा नमाज से उठने से पहले पहले जो भी दुआ मांगेगा इंशाल्लाह उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। अब जब बात आती है कि हम लोग इस दिन किस तरीके से नमाज अदा करें, तो हम लोग जुमा की नमाज अदा करने के लिए जाएंगे तो क्या हमें कुछ अलग से पढ़ना होगा? तो मैं आपको बताऊं, अलविदा की नमाज में कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं होता है जो आपको कुछ अलग से पढ़ना होता है, सिर्फ खुतबा अलग हो जाता है, बाकी आप लोग इस नमाज को जुमा की तरह ही अदा करेंगे। इसकी नियत आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके से करनी है, सबसे पहले आप लोग दिल में ये इरादा रखें कि आज रमजान शरीफ का आखिरी जुमा है और हम लोग अलविदा की नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको नियत बिल्कुल उसी तरीके से करनी है की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज जुमा की वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहकर आप लोग वैसे ही नमाज अदा कीजिए जैसे इमाम साहब आपको नमाज अदा कराएं। इस तरीके से आप लोग अलविदा की नमाज अदा कर सकते हैं। अब जब आप लोग जुमा यानी के अलविदा की नमाज अदा कर ले, जो हमारी माँ बहने हैं वो जोहर की नमाज अदा कर ले, उसके बाद आप लोगों को 2 रकात नफिल अदा करने हैं जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग इन नफिल नमाज को अदा लीजिए। ये 2 रकात नफिल अदा कर लेने के बाद एक अमल भी आता है जो मैं अभी आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है, उस अमल को भी कर लेना, लेकिन उससे पहले आप लोग इस नमाज की नियत आप लोगों को किस तरीके से करनी है उस चीज को समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोग जा नमाज पर खड़े हो जाइए और इस तरीके से नियत कीजिए, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। उसके बाद आपको एक बार सना यानी के सुभाना पढ़ना है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक का व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आप लोगों को सूरह फातिहा यानी के अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है, और फिर उसके बाद आप लोगों को 15 मरतबा सूरह इखलास यानी के कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाइए, और रुकू में आप लोग सुभाना रब्बियल अजीम सुभाना रब्बियल अजीम सुभाना रब्बियल अजीम 3 मरतबा पढ़िए। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए आप लोग खड़े हो जाइए, और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग सजदे में चले जाइए। सजदे में आने के बाद आप लोग 3 मरतबा सुभाना रब्बियल आला सुभाना रब्बियल आला सुभाना रब्बियल आला पढ़ें, और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं, और फिर आप लोग दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में आप लोग फिर से सुभाना रब्बियल आला सुभाना रब्बियल आला सुभाना रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़े, और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, सीधे आप लोगों को एक बार सूरह फातिहा यानी के अल्हम्दु शरीफ को पढ़ना है, और फिर उसके बाद 15 बार सूरह इखलास यानी के कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है, और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग फिर से रुकू में चले जाएं। रुकू में आप लोग 3 बार सुभाना रब्बियल अजीम सुभाना रब्बियल अजीम सुभाना रब्बियल अजीम पढ़ें। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन
हमीदा, रब्बना वलकल हम्द कहते हुए आप लोग खड़े हो जाइए, और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आप लोग सजदे में चले जाइए। सजदे में आने के बाद आप लोग तीन मरतबा सुबहाना रब्बी अल आला, सुबहाना रब्बी अल आला, सुबहाना रब्बी अल आला पढ़ें, और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं, और फिर आप लोग दोबारा अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में आप लोग फिर से तीन मरतबा सुबहाना रब्बी अल आला, सुबहाना रब्बी अल आला, सुबहाना रब्बी अल आला तीन मरतबा पढ़ें, और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आप लोग कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोगों को वही सब पढ़ना है जो आप लोग नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तयात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा वगैरह पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। ये आप लोगों के दो रकात नफिल अदा हो जाएंगे अलविदा के दिन के। अब यहाँ से आपका मेन काम शुरू होता है, जब आप ये दो रकात नफिल नमाज अदा कर लें उसके बाद आप लोग जानमाज पर बैठे रहिए। जानमाज पर बैठे बैठे सबसे पहले आप लोगों को तीन मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो भी आपके याद आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बहुत ध्यान से सुन लो, सभी लोगों को ये आयते करीमा याद ही होगी। इस आयते करीमा को जलाली आयते करीमा भी कहा जाता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आपको अपने हाथों की उंगलियों पर 33 मरतबा पढ़ना है, 33 टाइम। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर याद नहीं है तो मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप देख कर भी पढ़ लेना, पूरे 33 मरतबा पढ़ना, न एक ज्यादा न एक कम। इतना पढ़ लेने के बाद अल्लाह पाक का एक और नामे मुबारक या जब्बारू या जब्बारू या जब्बारू पूरी एक तस्बीह यानी के 100 मरतबा पढ़ें, और फिर तीन बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना वजीफा करना है, जो नफिल मैंने आपको बताया वो नफिल अदा करने है। उसके बाद अल्लाह पाक से इस तरीके से हाथ उठाकर रो रो के गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी है। हम लोग इस पाक महीने की बरकतों से निकलने वाले हैं, ये महीना हमारे हाथों से जाने वाला है, अलविदा का दिन आ गया। आज हमारे पास 3 से 4 रमजान बचे हैं, तो आप लोगों को चाहिए आप लोग रमजान शरीफ के आखिरी जुमे को यानी के अलविदा वाले दिन ये 2 रकात अल्लाह पाक के शुक्र अदा करने के लिए नफिल नमाज अदा करें। उसके बाद अल्लाह पाक से अपनी नेक और जायज दुआ मांगे। इस नमाज को अगर कोई शख्स अलविदा के दिन अदा कर लेता है तो उसको बहुत ज्यादा सवाब और नेकियां भी मिलती हैं, और इस नमाज को अदा कर लेने के बाद अल्लाह पाक से आप लोग जो भी दुआ मांगोगे इंशाल्लाह आपकी दुआ जरूर जरूर कबूल होगी। दोस्तों बस आज ही आज का दिन है हमारे पास, अगर आज आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपकी वजह से और लोग भी आज के दिन ये नफिल नमाज अदा कर लेंगे, नहीं तो हमें फिर 1 साल के बाद में ये दिन नसीब होगा। और आप और हम में से ना जाने कितने लोग तो ऐसे हैं जिन्हें ये रमजान शरीफ का महीना दोबारा नसीब होगा भी या नहीं पता नहीं, इसलिए हमें चाहिए कि आज अगर हमें ये दिन नसीब हुआ है तो हम लोग इस दिन अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक की इबादत करें, नमाजें पढ़ें, तिलावत करें, और फिर उसके बाद अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की बख्शिश कराएं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। दुनिया तो आपने खूबसूरत करी ली, आखिरत को भी थोड़ा सा खूबसूरत कर लीजिए नमाजों की पाबंदी करके। उम्मीद है आप लोग मेरी इन तमाम बातों को समझेंगे। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर तो कर ही देंगे, हमने आपकी स्क्रीन पर ये जो वीडियो लगाया है इस वीडियो को देख लीजिए, ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा पावरफुल वीडियो है। मेरे कहने से आप लोग इस वीडियो पर ज़रूर क्लिक करें और इस वीडियो को देखें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी।